हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बताएंगे ऐसा स्वप्न जो राजा को कफन के लिए कर दिया लाचार। सपनों की एक अपनी दुनिया होती है जिसमें बहुत सारी चीजें व बहुत सारे रहस्य समाये होते हैं। समय समय पर हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के आधार पर अलग अलग स्वप्न प्रकट होते रहते हैं। ये स्वप्न लक्षण हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को स्पष्ट संकेत देते हैं। विशेष स्वप्न के लक्षणों को जानकर पहचाना जा सकता है। ये स्वप्न लक्षण प्राचीन काल से अभी तक सभी मनुष्यों के जीवन में घटित होते रहते हैं। इनको पहचानना और समझना आवश्यक होता है, क्योंकि यह संकेत इसलिए आते हैं कि जिससे आने वाली घटनाओं के लिए तैयार रहें। आइए ऐसे विशेष स्वप्न लक्षण के बारे में आगे जानकारी करें। आज का जो टॉपिक है वह पौराणिक ग्रंथ से लिया गया है जो कई हजार साल पहले घटित हुआ था। यह घटना महाराजा हरिश्चंद्र से संबंधित है। एक बार महाराजा हरिश्चंद्र गहरी निंद्रा में सोए हुए थे। सुबह के समय उन्होंने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपने गुरु आचार्य विश्वामित्र को पूरा राजपाट दान में दे दिया है। उन्होंने इस स्वप्न के बारे में अपनी धर्मपत्नी तारामती को बताया और वे मन ही मन चिंतित होने लगे कि इसका क्या मतलब है। और दूसरे ही दिन विश्वामित्र के आने पर बातचीत में स्वप्न में दान देने वाली बातों का उल्लेख किया तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम अपने राजपाट का दान कर चुके हो, इसलिए यह राजपाट अब तुम्हारा नहीं रहा। यह पूरा राजपाट अब हमारा है, इस पर अब हमारा अधिकार हो गया है। कृपया कर अपने परिवार सहित यह राजमहल छोड़कर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और दान देना है उसकी व्यवस्था करें, क्योंकि जो आपने स्वप्न में दान दिया था यह बात पुरानी हो गई है। वर्तमान में हमारे आने के बाद जो आपको दान देना है उसकी व्यवस्था करनी होगी। इस कारण राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी को किसी दूसरे के यहाँ बेचना पड़ा और स्वयं शमशान घाट पर एक भंगी के यहाँ नौकरी करने लगे, जो घाट पर शव जलाने का कार्य करता था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण उनके पुत्र को सांप ने काट लिया, जिसके कारण उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनकी पत्नी बच्चे की लाश को लेकर उसी घाट पर आती है जहाँ राजा हरिश्चंद्र नौकरी कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से लाश जलाने के लिए कर मांगने लगे, क्योंकि उनकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं था। ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी ने साड़ी का आंचल फाड़कर दे दिया और लाश जलाने के लिए अनुमति मांगने लगी। राजा हरिश्चंद्र अपने कर के लिए अड़े रहे। उनके ऐसे धर्म पालन और स्वामी भक्ति को देखते हुए विश्वामित्र ने उन्हें माफ कर दिया और कहा कि तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। ये स्वप्न उनके जीवन में इस प्रकार प्रभावी हुआ कि वे अपने ही पुत्र के कफन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे और लाचार हो गए। इस कारण स्वप्नों की भूमिका जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो विभिन्न तरीके से मानव के जीवन में अपना प्रभाव दिखाती रहती है। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।